हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है, एक दोस्त हमारा कमेंट्स किया था कि मुझे आपका दो वीडियो में देख लिया, लेकिन उसका अंदर में मुझे ये नहीं मिला कि एयर टैंक जो होता है, हमारा बूस्टर पंप होता है, आप लोगों को मालूम है। ये देखिए, जो बूस्टर पंप बगल में है, इधर चार आप लोग दिख रहा है, इसमें चार बूस्टर पंप नहीं है। इसमें एक जकी पंप है, ये वाला, और बाकी वो तीनों बूस्टर पंप है। कई कई जगह पे आपको दो ही सिर्फ बूस्टर पंप मिलेगा और एयर टैंक मिलेगा, सही है। जहाँ बिल्डिंग का जैसे रिक्वायर होता है, वो हिसाब से लगा जाता है। इधर एक जकी पंप है, क्यों, इसका बेसमेंट में इसका वाटर टैंक है। ये जकी पंप हमेशा फुल प्रेशर में, जितना बार इधर सेटिंग हुआ है, इधर आप लोग देख सकते हैं जो प्रेशर गेज है, 7.5 में हमारा सेटिंग किया गया है, वो जकी पंप उसको मेंटेन करेगा। उससे ज़्यादा पानी यूज होगा तो फिर बूस्टर पंप जो दो है उसी में से एक चालू होगा। एक चालू होने के बाद जब फिर कट ऑफ हो जाएगा, सेकंड वाला चालू हो जाएगा, और एक जो है वो उसको सपोर्टिंग देने के लिए है, सही है। तो बात यह है कि मेरे को ये पूछा गया था कमेंट्स में कि एयर टैंक कैसे कनेक्शन होता है, उसका पाइपलाइन कैसे कनेक्शन होता है बूस्टर पंप के साथ। ये बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बात भी बता देता हूँ, ये महीना का अंदर में जितना भी कमेंट्स मुझे आया है, सबका कमेंट्स में पढ़ा हूँ, एक एक करके सबका कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारा कमेंट्स नहीं बोल के वीडियो को नहीं देखेगा। हर वीडियो, हर टाइप का बात, हर टाइप ये जानकारी आपका साथ होना चाहिए। गोल्फ में आएगा तो, मेंटेनेंस कंपनी में आएगा तो इसके लिए हर वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं लेगा, जितना कमेंट्स के ऊपर जो इतना मैं वीडियो बनाएगा, सब 5 से 6 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करूँगा, सही है। आज जो टॉपिक है ये देखिए, एयर टैंक कैसे कनेक्शन होता है। ये हमारा एयर टैंक है, बहुत बड़ा एयर टैंक आप लोग देख सकते हैं। इसका बेस जो है बोल्ट के साथ फिक्स किया गया है, टंकी बैठ गया, उसका बाद में एक पाइप उसका अंदर से आता है। ये देखिए, इसका अंदर में ऐसे 90 एल्बो डाल के उसका अंदर में कनेक्शन करा गया है टैंकी को, और सीधा एक पाइप आया। जो साइज इधर पाइप रिक्वायर होगा वही हिसाब से, पाइप का साइज मैटर नहीं करता है। इधर तो इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर 1 इंच का पाइप लगा गया है, जी पाइप, जो भी किधर कौन सा PVC है, UPVC है, जो पाइप जिधर रिक्वायर होगा वो हिसाब से लगेगा। ये पाइप किधर गया, सीधा एयर टंकी से आके आप लोग देख सकते हैं जो हेडर लाइन है, किसका हेडर लाइन, ये जो हेडर लाइन है आप देख रहे हैं, इधर डमी है, उस तरफ से बिल्डिंग को जा रहा है। ये जो 90 एल्बो लगा के ऊपर जा रहा है वो बिल्डिंग को जा रहा है, सही है। तो ये हेडर लाइन का साथ मिला गया है, हेडर लाइन का साथ मिला गया है, और ये हेडर लाइन जो है पूरा जो पंप है, जकी पंप, बूस्टर पंप, तीन बूस्टर पंप का साथ जो डिस्चार्ज लाइन होता है, जो पानी को बिल्डिंग के अंदर जो फ्लो करता है, वो सब आके ये हेडर लाइन में मिला है, ये देख सकते हैं आप। तो वही जो हेडर लाइन है, उसी हेडर लाइन का साथ हमारा एयर टैंक का पाइप मिला जाता है। दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ टेक्निकली इसमें हो ही नहीं। इसको आप इतना समझने का, जो बूस्टर पंप का सेक्शन लाइन होगा, सॉरी, जो डिस्चार्ज लाइन होगा बूस्टर पंप का, उसी का साथ जो हेडर लाइन होगा उसी का साथ ही मिला जाएगा। कोई सेपरेट कोई पंप का साथ जाके कनेक्शन नहीं रहेगा, हेडर लाइन का साथ मिल ही जाएगा। इसका काम यही होता है, मैं आप लोग को भी पहले भी एयर टैंक का वीडियो में बताया कि इसका टैंकी का मेन काम होता है कि ये हमारा जो प्रेशर है उसको होल्ड करता है। इसमें 50% पानी है, ऊपर 50% इसमें एयर है, सही है, हवा भरा गया है, वो भी कितना, 4-5 बार का, जो हिसाब से टैंकी है 5 बार का प्रेशर गेज उधर देखेगा। एक एक टैंकी का ऊपर प्रेशर गेज रहता है, इसमें प्रेशर गेज नहीं है, लेकिन चेक करने का टाइम प्रेशर गेज लगा के आप देख सकते हैं। तो एयर प्रेशर जो होता है, हम लोग गाड़ी का टायर का जो एयर चेक करता है उसमें देखेगा, तो 5 बार तक आपको इसमें दिखाई देगा। तो उसमें क्या होता है, 50% जो पानी होता है उसका बीच में एक ट्यूब होता है, पूरा राउंड ट्यूब होता है, जो इसको पानी को एयर का साथ मिक्स नहीं करता है, वो सिर्फ फूलता है और अप डाउन होता है, सही है, हार्ट बीट जैसा वो अप डाउन होता है। इसमें जब पूरा बिल्डिंग में पानी चालू रहेगा उस टाइम क्या होगा, इसमें नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। जब पूरा जगह का पानी बंद हो जाएगा, किधर भी पानी से कोई खोला नहीं है, कोई यूज नहीं कर रहा है, तो वो जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेगा, ये मेंटेन करने के लिए इतना बार तक जब आ जाएगा, तब ये प्रेशर टैंक के अंदर एक्स्ट्रा जो प्रेशर है इसके अंदर चला जाएगा, इसमें होल्ड हो जाएगा। इसमें होल्ड होने के बाद हमारा पंप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, सही है, पंप बंद हो जाएगा। तो इसमें होल्ड होने के लिए कैसे होल्ड करता है, इसका जो प्रेशर है, पानी इसमें पानी है, पाइपलाइन के अंदर पानी है, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं खोलेगा तो इधर पानी भी आ रहा है, देखा, तो ये पानी है, ये 50% जो पानी टैंकी के अंदर है, वो पानी जाके वो जो हवा को प्रेशर करेगा, पुश करेगा, वो एयर को पुश करने के बाद जो पाइप का अंदर में एक ग्रेविटी बनता है,
वो हमारा पंप को बंद करता है, ऑटो कट करता है। इधर पूरा सारा आप लोग देखा होगा, इधर मेरा वीडियो में मैं ऑलरेडी बताया था, ये प्रेशर सेंसर है, फ्लो स्विच है, सही है, ये प्रेशर स्विच है, प्रेशर हमारा कितना कट ऑफ होगा उसी में सेट करके रखा गया है प्रेशर स्विच। ये प्रेशर, ये हमारा सेंसर है, और प्रेशर सेंसर ये हमारा फ्लो स्विच है, सही है। ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑटोमेटिक काम करने के लिए। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश किया समझाने के लिए कि प्रेशर टैंक का कनेक्शन जो आप लोग पूछा था ऐसे ही कनेक्शन होता है, उसका बाद दूसरा कुछ ऐसा नहीं है, बस यही है। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके बताइए, आगे भी किस टाइप का वीडियो आप लोग को देखने के लिए चाहेगा तो मुझे बताएगा, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सही है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के साथ।